अभी 2 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी जंगल सफारी पे। आपको दिखाते हैं चूका व्यू पॉइंट, जो आपका रिवर साइड बीच है। एंड आप हमारी गाड़ी देखिए, इस गाड़ी में आज हम करने वाले हैं अपनी जंगल सफारी। 7 सीटर होने वाली है गाइस, और काफ़ी स्पेशियस है। हमारे मोहित सर आ रहे हैं। हेलो, राम राम भाई। राम राम सरकार, राम राम। ये हमारी माता जी, अब है हमारी बहन, हमारी ताई, और हमारे ड्राइवर साहब हैं, हमारे गाइड सर हैं, गौरव सर है। चलिए गाइस, चल के आपको दिखाते हैं। स्टार्ट हो गई है हमारी सफारी। जय श्री राम। तो गाइस, जंगल सफारी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और सामने आप देखिए गाइस, ये सब गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। गाइस, हमारे कान्हा जी #boss कान्हा जी हमारे साथ है गाइस, हमें कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। हमारे कान्हा जी हमारे साथ चल रहे हैं। गाइस, अभी हमने स्टार्ट किया है, देखिए इतना ज्यादा सनी मौसम है, और भाई साहब को ठंड लग रही है। बेहतरीन। गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरे कान्हा जी हैं, और यहाँ पार्टी हो रही है। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। यहाँ से चुका के ओके। सो गाइस, ये गेट नंबर 4 है, और हमारी गेट नंबर 4 से एंट्री हो रही है। यहाँ पे गाइस एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं गाइस। गरम चाय की प्याली होगी, साथ में काली घर वाली होगी। ओ वाह वाह वाह, झूठ बोल रहा है। क्या कहना चाह रहे हो, हम पहले होंगे। में कुछ 65 प्लस थे, अब थोड़े बढ़ गए, 71 प्लस है अभी गाइस। 2024 में टाइगर का काउंट 71 प्लस। नर कितनी, मादा कितनी है? उसको सांस तो लेने दे बे। इस बारे में जानकारी नहीं, टोटल का बता रहे। गाइस, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है हमारे गाइस आपका। देख रहे हैं इसको, सरेंद्र राज बोलते हैं। ये जो है डेकोरेशन के काम में आती है, ये वेटलैंड मतलब दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। बताइए, गाइडलाइन बता दीजिए आप। टाइगर आपके सामने है, ठीक है, आपको शॉट नहीं करना। ओके। दूसरा, टाइगर से 50 मीटर की दूरी बना के रखना है। तीसरा, गाड़ी से नीचे नहीं उतरना। 50 मीटर की दूरी तो आप बनाएंगे ना गाड़ी की? जी जी बिल्कुल। हाँ, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, गाड़ी से नीचे नहीं उतरना। हाँ, गाड़ी बाई चांस अगर टाइगर अचानक से आ जाता है तो वो मॉक चार्ज करेगा। वैसा हो भी गया है, अभी कल ही हुआ है, कई गाइडों के मॉक चार्ज हुआ है। गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया, गाड़ी के अंदर नहीं जंगली अंजीर। गाइस, यहाँ पे चेक पोस्ट भी बने हुए हैं, और यहाँ से ये वॉच टावर्स हैं गाइस, और पीकॉक भी है गाइस।
आप देखिए पीकॉक हमें दिख गया है। चलिए आपको और भी कुछ दिखाते हैं, कुछ हमें दिखता है पीकॉक कान डांस वाला। गाइस मोर यहाँ नाच रहे हैं, हम तो कह रहे थे मोर कान डांस वाला, बट यहाँ पे मोर डांस कर रहे हैं गाइस। आज बने भाई बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लगे। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। चलो भाई, सो गाइस हमें मोर देखना स्टार्ट हो गए हैं धीरे धीरे। मोर के आगे हमें डियर दिखेंगे, एलिफेंट्स दिखेंगे, लेपर्ड्स दिखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखेंगे गाइस। और जो भी हमें दिखता है आपको दिखाते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। बोल दो भाई सब्सक्राइब कर लो, ये लोग देख तो लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लो, गद्दार होते हैं। क्या बोला तूने? क्या होते हैं? गद्दार गाइस। गद्दार तो नहीं है गाइस, हमारी शुभ फैमिली गद्दार तो नहीं है गाइस। चलो देख लेते हैं। एक सब्सक्राइब बनता है गाइस। अब ये गद्दार वाली बात कर दी है गाइस, शुभ फैमिली गद्दार नहीं है। सो कर दीजिए गाइस सब्सक्राइब। चलिए आपको दिखाते हैं जंगल। फाइनली हम लोग गाइस खुश हो चुके हैं जंगलों के बीच में आके। सुबह से गाइस हम लोग घूम रहे थे और हमें जंगल नहीं मिल रहे थे, और हमें चूका बीच है गाइस ये भी नहीं मिला था। अच्छा क्योंकि यहाँ पे एंट्री गाइस सिर्फ आप चीज़ें कर सकते हैं जो सफारी एफसी है, और इसके चार्जेस है गाइस अगर आप सिर्फ चूका बीच पॉइंट पे जाते हैं, और जिप्सी से जाना पड़ेगा गाइस, और उसका कॉस्ट है 2500। और अगर आप जंगल सफारी प्लस चूका बीच स्पॉट जा रहे हैं तो उसका कॉस्ट है 4300, और आपका पार्किंग का चार्जेस गाइस एक्स्ट्रा। गाइस शुभ फॉर यू चैनल, आप बता सकते हैं हमारी वीडियो देख के आप चूका बीच पे आए हैं, बट आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा गाइस, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको पार्किंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। So please do subscribe to my YouTube channel guys, please do it. So guys, चूका बीच का गेट आ चुका है एंड 100 मीटर्स आपको वॉक करना पड़ेगा। सो गाइज अभी 100 मीटर्स का वॉक करना है चूका बीच के लिए। को बीचेस गोवा कर्नाटका तमिलनाडु इन सब जगहों पे मिलेंगे, बट हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक बीच है गाइज, और वो बीच चूका बीच है जिसका एंट्री पॉइंट आप देख रहे हैं। चीटिंग करता है तो उठाएगी नहीं, उसी से उठा देगी। बहुत प्यार हंसी मजाक होनी चाहिए यार साथ में। करेक्ट करेक्ट, ज्यादा सीरियस हो जाएंगे तो आईफोन मिलना होगा फिर। गाइस हमारे कन्हैया जी भी आ रहे हैं। लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना घूमकर? गाइस अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, कुछ यादगार वस्तुओं की दुकान है गाइस ये, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। गाइस हमारे गौरव साहब हमें वाटर पॉइंट ले जा रहे हैं जो आपका चूका सागर बीच पॉइंट है, एंड ये अप्रॉक्स आपको जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी थी 100 मीटर्स के वॉक पे आपको पड़ेगा, थोड़ा आपको वॉक करना पड़ेगा। गाइस अगर आप आते हैं तो गौरव भाई से आप बात कर सकते हैं, मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा गाइस। सो डू कॉन्टैक्ट गौरव शर्मा को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे गाइड हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम, सो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट हिम। सो गाइस यहाँ पे वाटर हट का रास्ता है, देखिए आप। सो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप जंगल सफारी कर रहे हैं तो ये आप सेकंड शिफ्ट का टाइम लें, क्योंकि आपके जो एनिमल्स जो आप स्पॉट करने के चांसेस हैं वो ज़्यादातर सेकंड शिफ्ट में ही रहते हैं पोस्ट आपका 12 नून, जो कि आपका 2 o'clock से लेके 5:30 का आपका जो रहता है शिफ्ट।
उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल स्पॉट कर सकते हैं। और आप व्यू देखिए यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइस। एंड ये आपका वाटर हट है जो वाटर बॉडी के ऊपर बना हुआ है। तो गाइस हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कुछ वाटर हट के बारे में। सर ये अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग होती है सर इसकी, और 7000 लगभग प्राइस है। और ये बुकिंग कौन सी वेबसाइट पे, जो आपका यूपी जी इको टूरिज्म ऑनलाइन आपकी बुकिंग कर सकते हैं गाइस। और आपको यहाँ पे नाइट स्टे मिलेगा 7000 पर रूम। और कुछ नंबर ऑफ पर्सन की लिमिट है यहाँ पे? नहीं, दो से तीन लोग गाइस यहाँ पे रह सकते हैं इस हट में। और फूड इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ओनली स्टे। ओके गाइस, सिर्फ ओनली स्टे अवेलेबल है। सो काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है एंड आप देख सकते हैं। सो यू कैन आराम से चिल हियर एंड यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है गाइज। और वाटर आपका पूरा क्लीन ट्रांसपेरेंट मुझे नीचे दिख रहा है सरफेस। सर ये अगर इसकी बात करें तो इसको शारदा सागर डैम बोलते हैं। ये एशिया का सबसे लंबा डैम है सर, कच्चा। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 22 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें तो ये 5 से 6 किलोमीटर चौड़ाई है। एशिया का सबसे लंबा कच्चा बांध शारदा सागर डैम बोलते हैं। एशियाज लार्जेस्ट अर्दन डैम है गाइस ये, और काफ़ी बड़ा है। तो वैसे 22 किलोमीटर के स्ट्रेच पे फैला हुआ है गाइस, काफ़ी बड़ा है ये डैम सागर, जो भी आप कह सकते हैं। और वाटर बॉडी, पेड़ देखिए। दोस्तों ये पार्टी हॉल बना हुआ है शेड, ये आपका हट। सो गाइस हम आपको बीच साइड लेके जा रहे हैं। भोले बाबा की जय। गाइस ये थारू हट्स हैं और हमारे गाइड साहब इसके बारे में बताएंगे। 5500 पर नाइट। और मैक्सिमम हाउ मेनी पीपल कैन स्टे, कितने लोग रह सकते हैं यहाँ पे? तीन लोग गाइस इस थारू हट में रह सकते हैं। और इसका स्टे चार्जेस है 5500 पर नाइट। इसमें क्या क्या इंक्लूड है सर, अगर 5500 पर नाइट का लेते हैं तो? केवल स्टे और सफारी और कुछ नहीं है? नहीं, नहीं, वो वाला। ये इसका भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा? नहीं। सो गाइस अगर आप आ रहे हैं तो आप थारू हट्स में भी रह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आपको इको पार्क के बाहर भी आपको कुछ स्टेज मिल जाएंगे। अभी फ्री हट भी है यहाँ पे, लगभग 7000। सो गाइस ये फ्लोटिंग आपका एक ब्रिज बना हुआ है डैम के ऊपर, काफी मजा आ रहा है गाइस। गाइस ये प्लास्टिक के आपको दिख रहे हैं, ये प्लास्टिक के हैं एंड ये फ्लोट कर रहा है वाटर पे। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे भाई के चैनल को। सर इसमें डीसी करंट आ रहा है, इसमें आप अगर टच करेंगे तो आपको झटका लगेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस कन्हैया जी हमारे झूला झूल रहे हैं। सर वैसे इसको चूका बीच बोलते हैं, पर अभी चूका बीच है नहीं, क्योंकि चूका बीच जब होता है, जब मान लीजिए यहाँ से पानी थोड़ा कम लेवल कम होता है, लगभग 100 मीटर सूख जाता है, फिर रेत बाहर आ जाता है।
तब ये चूका बीच बनता है। ओके, तो बीच का फीलिंग आता है बिल्कुल कि आप बीच पे खड़े हैं। ये लगभग अप्रैल में, अप्रैल मई में होता है गाइस, बट अभी वाटर लेवल अपने पीक पर है तो आपको बीच का फीलिंग नहीं आएगा। बट आप अगर अप्रैल, आप अगर अप्रैल और मई के मंथ में आते हैं तो आपको बीच का फील ले सकते हैं यहाँ पे आके। आपको लगेगा आप गोवा में गाइस समुद्र के किनारे इंजॉय कर रहे हैं। भाई साहब कुछ गहरी सोच में, ये भगवान क्या जुलूम है। सो गाइस अभी हम चूका बीच घूम के आ रहे हैं, बट पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा था तो बीच का हमें फील नहीं आया, बट व्यू काफ़ी अच्छा था। एंड अभी हम लोग सफारी करने के लिए जा रहे हैं, जंगल सफारी कंटिन्यू करेंगे। और अभी अप्रॉक्स टाइम हो रहा है गाइस 3 और 2.5 आवर्स का हम लोग अभी जंगल सफारी और करेंगे और आपको एनिमल्स दिखाते हैं। अगर हमको कुछ एनिमल्स अगर हम स्पॉट करते हैं तो फॉर श्योर हम आपको दिखाने वाले हैं गाइस। और गाइस ये रेस्ट हाउस है सामने, आप देख सकते हैं रेस्ट हाउस। जरूर विजिट करिए आप यहाँ और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। व्यू काफ़ी अच्छा है गाइज और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है ठंडी ठंडी। हाय हाय, इतना सुकून गाइज। ये ट्री हाउस है जो हमारे गाइड साहब ने पहले बताया, ट्री हाउस गाइज 9000 पर नाइट आपका ये ट्री हाउस का कॉस्ट है। एंड अप्रॉक्स 2 लोग गाइज यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। गाइज अभी हम ट्री हाउस जा रहे हैं, देखते हैं ट्री हाउस कैसा है, दिखाते हैं आपको। बस यहाँ तक जा सकते हैं क्या? अच्छा ये लॉक है। सो गाइज ट्री हाउस लॉक है, यहाँ से व्यू देखिए आप। The view is really amazing. जंगलों के बीच ट्री हाउस बना हुआ है दोस्तों, काफी सुंदर लग रहा है गाइस। 2 लोग स्टे कर सकते हैं बट 9000 थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है। आई डोंट थिंक कि ये वर्थ रहेगा आपको स्टे करना, बट अगर आप रुकना चाहते हैं जंगलों के बीच में चूका बीच के ट्री हाउस में, सो आराम से यू कैन पे 9000 फॉर 2 पीपल फॉर द नाइट एंड यू कैन स्टे। तो गाइड साहब हमें म्यूजियम लेके जा रहे हैं, थोड़ा डिटेल्स बता रहे हैं। अच्छा एक्चुअली बंद है गाइस, बट गाइड साहब हमें दिखा रहे हैं म्यूजियम। क्या बढ़िया था गुरु। गाइस ये वॉल पे कार्विंग्स बने हुए हैं लेपर्ड्स के। ये बटरफ्लाई की स्पीशीज टाइगर का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो सो गाइज अभी हमें गाइड साहब ने बताया, हमको कॉल आया है टाइगर स्पॉट हुआ है, सो हम अपनी जंगल सफारी कंटिन्यू करते हैं और आपको टाइगर दिखाते हैं।